वेलकम बैक टू माई चैनल गर्ल विद कर्ल्स। तो ये मेरा आज पहला फैब्रिक शूट है, कपड़ों का शूट है, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैंने डायरेक्ट सोचा कि ऐसी हाल में मिलाया जाए आपको और दिखाया जाए मैं कैसी लग रही। तो सी, दिस इज द वेरी ब्यूटीफुल ड्रेस। तो ये मुझे एक बलिया ने ड्रेस दी है पहनने के लिए और मुझे इसके लिए शूट करना है, क्योंकि बलिया के पास एक से एक बेहतरीन ड्रेस है जिसमें आप अपने आप को बहुत सुंदर बना सकते हो। और मैं सब लिंक वगैरह सब डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी जहाँ से आप देख सकते हो। तो मैं पहले आपको बलिया से मिला, बलिया की बात तो बहुत चल रही है। बलिया है कौन? बलिया आओ ना। सो दिस इज़ बलिया। तो ये है हमारी इंस्टा ओनर जिनकी आप ड्रेसेस देख रहे हैं, और इनके आप पेज में बता दूंगी, वहाँ मेंशन कर दूंगी लिंक में, तो आप इनके पेजेस पे जाके चेक कर सकते हैं कि कितनी खूबसूरत खूबसूरत इनके पास ड्रेसेस अवेलेबल और किस किस रेंज में। तो हम अभी देखते हैं, फर्स्ट ड्रेस तो ये रही और सेकंड ड्रेस में आपको दिखाते हैं फिर से। तो ये हमने सेकेंड ड्रेस पहन ली है और अब बलिया चेक करेगी इसमें क्या चेंजेस करने हैं क्या नहीं। लेट्स सी क्या उसको पसंद आता है क्या नहीं, फिर चेंज करते हैं इसके अकॉर्डिंग। अब ये देवी जी को सही करने की कोशिश में, क्या सही करना चाह रही हो बलिया तुम? सेकेंड ड्रेस का भी शूट हो चुका है, बहुत मुश्किल से मैं जगह मिल गई थी शूट करने की, यू कैन सी। तो हम जा रहे हैं दूसरी ड्रेस चेंज करने, यानी थर्ड ड्रेस में करेंगे थर्ड शूट। बहुत हेक्टिक हो रहा है क्योंकि लोग ऐसे देखते हैं। वॉचिंग माई ओन फोटोज, तो कुछ अच्छे अच्छे फोटोज आए, कुछ अच्छे पहले दिखाना कितने फोटोज अच्छे आए, दिखाएंगे फोटोज कुछ अच्छे अच्छे आए। हमारी फोटोग्राफर फोटोग्राफर ऑफ द डे बलिया अर्शद। एक होते पागल एक होते महापागल, मतलब इन्हें दिख रहा है कि मेरा शूट चल रहा है बट इन्हें बीच में जरूर आना है। तो हमारा शूट ओवर हो चुका है, फोर ड्रेसेस फोर शूट फोर लोकेशंस। तो आई एम वेरी ग्लैड कि बलिया ने मुझे ऐसा मॉडल अपना चुना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अब आपको कैसा लगा पूरा ब्लॉग मुझे बताना, क्योंकि मैंने कोशिश मैंने ऐसे ना रैंडम बनाया था, मैंने सोचा आपको दिखाया जाए कि फैब्रिक शूट होता क्या है। मुझे बहुत लोगों की ट्रस्ट ही रहती है कि फैब्रिक शूट व्हाट इज़ फैब्रिक शूट, तो मुझे था कि हाँ मैं दिखाऊँ आपको फैब्रिक शूट ये है, ऐसे हम लोग शूट करते हैं, ऐसे मॉडलिंग होती है उसके अंदर, ऐसे पोजेस देने पड़ते हैं। तो शूट नो ना कि आप देखते रहते हो मुझे, तो ये भी पता होना चाहिए कि मेरी लाइफ में चलते रहे। बाय द वे बैकग्राउंड बहुत प्यारा आ रहा है, सनसेट हो रहा है, तो
बहुत सुंदर आ रहा है। तो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, कीप वॉचिंग।